हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, जिनी एंड जॉर्जिया अभी भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है और मैं ये कह सकता हूँ काफी ज्यादा लोगों को ये समझ में आई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक 30 इयर्स की वुमन है जो कि स्टिल यंग है, फुल ऑफ लाइफ है। सो व्हाट हैपेंस अगर उसकी 15 साल की डॉटर भी हो, तो लार्जली वो मदर डॉटर का रिलेशनशिप कम और सिस्टर्स की तरह ज्यादा होगा और दोनों ही में मेचोरिटी जो आपको विजडम चाहिए होता है वो थोड़ा सा कम दिखेगा। मस्ती होगी, होपफुली लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी और होपफुली लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, जो कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको गिलमोर गर्ल्स की तरह कंपेयर कर रहे हैं और मैं ये पक्का बोल सकता हूँ जो ये लोग ये बोल रहे हैं उन्होंने जिनी और जॉर्जिया बिल्कुल भी नहीं देखी है। वैसे ही फट्टे मार रहे हैं और दिमाग पे बिल्कुल ताले लगा के बैठे हुए हैं। एंड इट इज़ अ वेरी लेजी थिंकिंग, मैं बोलूँगा या लेजी रिप्रेजेंटेशन, लेजी रिव्यू ऑफ दिस सीरीज। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हाउ इज दिस सीरीज वेरी वेरी डिफरेंट, और आप जब गहराई से पूरा वीडियो देखोगे आपको भी समझ में आएगा। पहले दोस्तों मैं जरा आपको इसका प्रीमाइस और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ताकि हम दोनों आपस में एकदम करेक्ट तरीके से बात कर पाए। तो जॉर्जिया एक 30 ईयर्स की फ्री स्पिरिटेड वुमन है। लड़कपन दोस्तों इसका अभी तक गया नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट हर टू एक्ट मेच्योरली। और उसको ऐसा क्यों करती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। गिनी उसकी जो है छोटी सी बेटी है जो कि 15 ईयर्स की है, हाई स्कूल के अंदर पढ़ती है और उसकी टीनेजर प्रॉब्लम्स होती है, बड़ा कॉमन सी बात है। ऑस्टिन 9 साल का लड़का है जो कि ग्रो अप हो रहा है। अब जॉर्जिया इतनी ज्यादा फ्री स्पिरिटेड है कि उसका हर सिटी, हर टाउन में जहां भी वो लोग जाते हैं वहां पर एक पावरफुल आदमी जिसके पास काफी सारे पैसे हैं उसके साथ हुकअप हो जाता है और उनका रिलेशनशिप जनरली एक बुरी तरीके से एंड होता है। लेकिन उसका अब जो रिसेंट हस्बैंड है उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, इस वजह से उनको कोई ना कोई शहर चेंज ही करना पड़ जाता है। अब जो जिनी है बेसिकली वो काफी ज्यादा आउटगोइंग है, थोड़ी सी कॉशियस है क्योंकि उसकी मॉम ने उसको इसी तरीके से ट्रेन किया है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो, स्पेसिफिकली मेन को तो बिल्कुल मत दो। पर उसको मार्कस अपने नेबर जो कि थोड़ा सा वीट एडिक्ट भी है उससे लव हो जाता है, जबकि उसकी मॉम ने बोला है कि किसी भी ऐसे एड़े गड़े इंसान से जो है लव इंटरेस्ट में नहीं घुसना है, उसके प्यार नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अट्रैक्टेड हो जाती है। हंटर उसके स्कूल में ही है और जिनी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब ये लव ट्राइंगल और साथ ही साथ में जो टीनेजर प्रॉब्लम है ये भी आप विटनेस करोगे एक टीनेजर ड्रामा की तरह। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि ये जो शो है इतना डिफरेंट कैसे है और ये अलग कैसे है, बिकॉज इट हैज गॉट मेनी लेयर्स। दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं बियॉन्ड मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिस तरीके से इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है, जो कि जनरली एक कंप्लेंट रहती है रिव्यूअर्स की। आप देखोगे कि कैसे जॉर्जिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग है, आउटगोइंग है, अप्रोचेबल है, नोज हर वेज आउट, अपना किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकाल ही रहती है। उसके पास में दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, इलीगल हुआ है, क्रिमिनल हुआ है, जिसको वो छुपाती फिर रही है, जिसको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इंट्रिगिंगनेस बनी रहती है। और कहीं ना कहीं ये जो आप कॉमेडी ड्रामा समझ के देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी एक रोशनी डालता है। दोस्तों आप यहाँ मुद्दा ख़त्म नहीं होता क्योंकि आप देखते हो कि जिनी जो कि एक हाई स्कूल के अंदर पढ़ती है और जैसे मैंने बताया उसके दो लड़के हैं जो उसके आसपास घूम रहे हैं, एक मार्कस है जो उसका लव इंटरेस्ट है और हंटर जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। टीनेजर के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं और उस उम्र की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें चाहे वो सिली लगे लेकिन वो भी आपको देखने को ज़रूर मिलता है। फर्दर स्टोरी बेसिकली मदर और डॉटर की नहीं है, मदर और सन की भी है क्योंकि ऑस्टिन जो उसका बेटा है वो एक दिन अपनी मॉम के साथ किसी एक आर्गूमेंट में किसी और के साथ थर्ड पर्सन के साथ पड़ जाता है और आप देखते हैं कि कैसे ऑस्टिन सीखता है अपनी मॉम से डेयरिंग होना। फर्दर हम ये भी देखते हैं कि जॉर्जिया की जो नौकरी है वो किसी एक मेयर के ऑफिस में लग जाती है और कैसे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें भी अनफोल्ड होती हैं। हम फर्दर ये भी देखते हैं दोस्तों कि कैसे जॉर्जिया और जिनी की लाइफ में जो जो भी मेन आते हैं वो कैसे रोमांटिक एंगल्स में फंसते हैं और कैसे वो कॉमेडी तरीके से डिलीवर किया गया है। तो आप देखोगे कि कहाँ से स्टोरी शुरू हुई और वो कहाँ एंड हो रही है, इसके अंदर रोमांस, इसके अंदर कॉमेडी, इसके अंदर रिलेशनशिप्स, मदर डॉटर, मदर सन, इतना कुछ है और इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हैं कि आप बोलोगे कि यार इसके अंदर इतना कुछ हो रहा है, सिर्फ 10 एपिसोड के अंदर इतना कुछ डिलीवर हो रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत से लोगों को इतना कुछ होते हुए देख के शायद घबराहट होगी और उनका जो ध्यान है किसी एक चीज़ पे नहीं लगेगा, वो इसकी डाउनसाइड भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल बेसिस पे जब आप ये शो देखोगे तो ये आपका मूड एलिवेट ही करेगा, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो मेरा मूवी शो भी स्कोर इसके लिए बैलेंस्ड होगा B+। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, तो दिखावों पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ और देख डालो। सी यू, बाय।